ये गाइस वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। दोस्तों मैं आपका गेम अगर लैग होता है, अगर आपका गेम चलते चलते रुक जाता है, स्मूथली गेम नहीं खेल पाते, तो उसके लिए मैं आज ऐसा ऐप्स लेके आया हूँ जिसको आप इंस्टॉल करके स्मूथली गेम खेल सकते हो और लैग भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो है 99% आपका जो है काम होने वाला है, ठीक है। तो पूरा तो होगा क्या नहीं मेरे को पता नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो है आपका जो है गेम प्ले स्मूथली चलने लगेगा, ठीक है। तो मैं भी गेम खेल के एक दो राउंड गेम खेल के देखा हूँ, काफ़ी स्मूथली गेम चल रहा है। बट मैंने जो है इसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है एक स्मूथली गेम प्ले के लिए है, और ज़्यादा ऐप्स में इंस्टॉल करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को एडिटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ काम करना पड़ता है, तो स्पीड बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उस ऐप को मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा ऐप्स है। प्ले स्टोर में जाना है, जाने के बाद आपको गेमिंग मोड, गेमिंग बूस्टर प्रो है, तो इसका थोड़ा सा मैंने वो देख रेटिंग देख लेता हूँ, क्योंकि हमेशा कोई भी ऐप्स इंस्टॉल करो तो अपने तरीके से एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ जानकारी ले लेता हूँ इस ऐप्स का। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका रेटिंग कितना है। तो यहाँ पे जो है 5 स्टार का ज़्यादा रेटिंग है, यहाँ पे 1 स्टार का भी रेटिंग है, 5 स्टार का भी रेटिंग है, ऐप्स इज ग्रेट, ठीक है। और नीचे की तरफ और भी रेटिंग हम यहाँ पे देखो तो 2 रेटिंग भी है, 2 तरह है। तो ऐप्स उतना ज़्यादा भी मतलब एक्सीलेंट भी नहीं कह सकते हो और ज़्यादा पुअर भी नहीं कह सकते हो, मतलब गुड है, ठीक है। मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है और ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो है लैग फ्री तो करेगा ये। तो इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है, करने के बाद ऊपर गेम वाला आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है, उसको ऑन कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे इसका जो है थोड़ा सा अप्रूवल मांगेगा, उस अप्रूवल को ऑन कर देना है। यहाँ पे फ्री फायर मैच दे सकते हो, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद यहाँ पे बीच वाला जो बटन दिख रहा है, तो उसको आप क्लिक करोगे तो आपको फ्री फायर जो है, आपका जो फ्री फायर है वो ऑटोमेटिक जो है फेस करके ओपन कर देगा फ्री फायर को, ठीक है। तो आप देखता हूँ फ्री फायर ओपन करके क्या आ रहा है। तो जिसका ज़्यादा लैग होता है उसका तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, इतना ज़्यादा लैग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन खोल के देखते हैं कैसे चलता है। काफ़ी बढ़िया चल रहा है, स्मूथली चल रहा है यहाँ पे। आप एक बार यूज करके देख सकते हो यहाँ पे कैसे चल रहा है, अगर अच्छा नहीं लगे तो अनइंस्टॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। और यहाँ पे और एक चीज़ देख लेना है, ऊपर से स्क्रॉल डाउन करके देख लेना है, यहाँ पे सर्विस रनिंग दिख रहा है ना गेम मोड, तो ये होना सर्विस रनिंग होना चाहिए। अगर सर्विस रनिंग नहीं है तो आपका जो है काम नहीं, ऐप्स जो है काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखने को मिलेगा, जैसे कि डीसीपी ऑटो ड्राइव नेट, यहाँ पे कुछ छेड़खानी करने का जरूरत नहीं है, चेंज रिंग टोन बोलूँ मीडिया, ऑटो रिजेक्ट कॉल, यहाँ पे ऑटो रिजेक्ट कॉल कर सकते हो। अगर कॉल ज़्यादा आता है, डिस्टर्ब होता है गेम खेलने में, तो यहाँ पे रिजेक्ट कॉल कर सकते हो। ब्लॉक व्हाट्सअप कॉल, अगर कोई व्हाट्सअप कॉल करता है उसको लिए ब्लॉक कर सकते हो, नोटिफिकेशन ब्लॉक है, बार बार अगर गेम खेलने के टाइम पे जो नोटिफिकेशन आता है उसको ब्लॉक कर सकते हो। ब्लॉक इंटरनेट एक्सेस और एडिट ऐप, मतलब दूसरा जो बेकार का ऐप्स पड़ा है उसका अगर इंटरनेट मतलब नेट खा रहा है तो उसके लिए ब्लॉक कर सकते हो। इसके मतलब बहुत सारा यहाँ पे जो है चीज़ें रखा है, आपको इसको पढ़ पढ़ के सही से कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री फायर मैक्स को यहाँ पे इंटरनेट ना, मतलब यहाँ पे ब्लॉक इंटरनेट फॉर ऐप्स, मतलब जो जो ऐप्स को आपको ब्लॉक करना है, इंटरनेट ब्लॉक करना है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इंटरनेट ब्लॉक हो जाए, ध्यान रखना है इंटरनेट अगर ब्लॉक कर देते हो तो वो ऐप्स ओपन नहीं होगा, ठीक है, जब तक तो उसका इंटरनेट फिर से ऑन नहीं कर देते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।